सुगम स्वरों में बहुत ज़बरदस्त मार्मिक भजन है ये, लेकिन मैं इसमें अपना म्यूजिक ट्यून सरगम के साथ, उस म्यूजिक ट्यून का सरगम भी गा सकते हैं बीच बीच में और इंटरल्यूड म्यूजिक भी बना सकते हैं, इसलिए पूरा देखना है। और एक जगह तो कमाल का नोट लगता है, वो कमाल का नोट भी देखना है। ये जो सरगम मैंने बजाया है कहरवा ताल के अंदर है, राग बेस भजन है ये कम स्वरों में। अभी जो मैं म्यूजिक ट्यून बजाया था उसका सरगम के साथ भी आप गा सकते हैं स्टार्टिंग पार्ट लेके, जैसे सरे ग प ग ग प ग ध प ग सरे रे ग रे रे ग रे धप धप ग रे सदसा धप धप ग रे सदसा धप धप ग रे सदसा रे सा हे राम हे राम हे राम। तो ये नोट अभी मैं लिखा देता हूँ कौन सा सरगम है, एक एक नोट बता देता हूँ। स्टेंजा के अंदर जाएंगे तो वो भी जबरदस्त का है। तू ही माता तू ही पिता है तू ही, ये कर्ण स्वर बहुत जबरदस्त का। तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो है राधा का श्याम राम। कहाँ से गा रहा था, कौन कौन से स्वर, आप देखे होंगे कि फिंगर सिर्फ ब्लैक पट्टी को टच करता है, क्योंकि ये जो राग बनता है मैं तीसरी काली सा बना के गा रहा हूँ, यहीं से गाइएगा सभी लोग, ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं है, आराम से गा सकते हैं। पांच ही नोट लगते हैं, सारे का प ध प ग रे सा र प ध सारे ग रे सा, जैसा भोपाली में पांच स्वर लगते हैं उसी हिसाब से पांच स्वर के अंदर इस भजन को गा सकते हैं। तो इसको सा बना के गाते हैं तो ये भजन सारे का प, इससे ऊपर जाता ही नहीं है, लेकिन जो म्यूजिक ट्यून बजाएंगे तो उसमें ये ध का प्रयोग किया गया है। सारे ग प ध प ग रे सा द प ध सारे ग रे सा। ओके, कैसे कैसे स्टार्ट करना है, कहरवा ताल के अंदर है, सामने स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ आप मैसेज करके ऑनलाइन क्लास की जानकारी ले सकते हैं, या फिर डोनेशन भेजने की इच्छा हो, जैसे बड़ा प्रोजेक्ट सभी लोगों को पता है लगभग में रेसिडेंशियल म्यूजिक कॉलेज पे काम चल रहा है, तो उस पर बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट किए भी हैं, उनको दिल से आभार देता हूँ। और बाकी आप जो करना चाहते हैं अगर, तो आप मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन क्लास के लिए भी जानकारी आप ले सकते हैं, लेकिन मैसेज के लिए आइए दिखाता हूँ किस अंदाज में इसको कर सकते हैं। म्यूजिक ट्यून कैसे लीजिएगा, जैसे ये बीट बनता है इसका धागे नक धीन धागे नीन, तो ये तो बेस कॉर्ड बन रहा है इसका, इसके साथ ये भी स्वर ले लीजिएगा, यहाँ का ये यहाँ का ये, ओके ऐसा पकड़ के भरा भरा सा साउंड है। तो ये जो बीट बना इस बीट के अंदर ये म्यूजिक पैटर्न बजेगा। सरगम क्या है ये ट्यून, प ध सा रे ग प ग ग प ग ध प उसका ध प ग सा रे, ये फर्स्ट पार्ट, फिर से देखिए प ध सा रे ग प ग ग प ग ध प ग सा रे रे ग रे रे ग रे ध प ध प ध प ध प ग रे सा ध सा कॉर्ड ध प ध प ग रे सा ध सा कॉर्ड ध प ध प ग रे सा ध सा रे सा हे राम। उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आपको बीट मिल जाएगा ताल के अंदर, जो सम पॉइंट आता है राम पे, सम आता है हे राम, तो आ जाएगा। फिर से एक बार इसको देखिए फाइन, प ध सा रे ग प ग ग प ग ध प ग सा रे, और ये एक्सेप्शन कॉर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं नी लगा के ऐसा रे रे ग रे रे ग रे धप धप ग रे सा ध सा धप धप ग रे सा ध सा धप धप ग रे सा ध सा रे सा हे राम। क्या नोट है यहाँ से, हे राम प सा सा रे हे राम हे राम ग रे सा 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 प सा सा रे ग रे सा 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 हे राम हे राम हे राम, ऐसा भी एक नोट ग रे ग सा
हे राम गर्ग सा सा सा। उसके बाद है तू ही माता तू ही पिता है। क्या नोट है? ग ग ग ग रे ग सा सा रे सा ध प ग ग ग ग रे ग सा सा रे सा ध प तू ही माता तू ही पिता है। पूरा उंगली से बजाएंगे। तू ही माता तू ही पिता है। इसका जो ऊपर का कंठ स्वर लगा है वो जी तू ही तू तू ये नोट लगा है। पगा तू ही एकदम लगाना ही चाहिए। हर एक स्टंजा के अंदर यही ट्यून है। तू ही माता नोट क्या लगा? प ग ग ग रे ग सा तू ही माता तू ही पिता है सा सा रे सा ध प। उसके बाद फिर कॉर्ड लेके यहाँ से उठाना है। कॉर्ड लेके जब गाएंगे इस बीट को तू ही तो है। नोट कौन सा बना है यार? कौन तू ही तो है। लेकिन ये कॉर्ड लेके लेंगे तो भरा भरा सा लगेगा। तू ही तो है राधा का पापा यहाँ पापा पापा पा ग ग सा पापा पापा पा ग ग सा तू ही तो है राधा का। ये भी ले सकता पापा पापा पा ग ग रे सा तू ही तो है राधा का श्याम श्याम। थोड़ा सा आवाज के जरिए या यहाँ का नोट जो है रे रे ग सा श्याम। तो पूरा ये लाइन जो गाएंगे म्यूजिक पैटर्न के साथ सेकेंड स्टेंजा भी पकड़ेंगे तो जब इतना लाइन खत्म हो गया एक स्टेंजा आपने गा लिया तो फिर से वो म्यूजिक पैटर्न बजाएंगे। चाहे तो सरगम में गा सकते हैं चाहे तो म्यूजिक पैटर्न में गा सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं एक बार म्यूजिक पैटर्न में बिना गाए हुए बजा लिया फिर दोबारा सरगम गा लिया तिहाई के साथ। क्या जबरदस्त लगेगा। एक बार देखिए सेकेंड स्टेंजा में जब गाता हूँ इसी को आप चाहे तो सरगम में एक बार बीच में इंटरल्यूड करने के लिए विदाउट सरगम बोल सकते हैं बिना बोले हुए गा सकते हैं। सेकंड टाइम सिर्फ बजा सकते हैं। प ध स रे ग प ग ग प ग ध प ग स रे रे ग रे रे ग रे ध प ध प ग रे स ध स कॉर्ड ध प ध प ग रे स ध स कॉर्ड ध प ध प ग रे स ध स रे स अंतर्यामी इस हिसाब से जग का स्वामी सारे सधप। इसमें भी कॉर्ड के साथ ही ऊपर का कर्ण स्वर लगता है तू तू अंतर्याम। और कभी कभी क्या कर सकते हैं जैसे ये नोट अभी आपने बजाया यहाँ से मिडल ऑक्टेव में अगर कीबोर्ड में बजा रहे हैं तो कीबोर्ड में बहुत सारा स्पेस रहता है। कीबोर्ड में ये म्यूजिक ट्यून आप अदर स्केल में भी बजा सकते हैं। यहाँ पे वो नोट कम है लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि यहाँ से भी आप कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे लोग कीबोर्ड में बजाते हैं तो कीबोर्ड के अंदर इसी चीज़ को आप दूसरे स्केल में बजा सकते हैं। तार सप्तक में म्यूजिक पैटर्न बजाइए और वापस मध्य सप्तक में इस चीज़ को लेके गाइए। ये एक ज़बरदस्त का चीज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ का नोट नहीं है तो पूरा हो जाए प ध स रे ग प ग ग प ग तो इस अंदाज में भी इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है देखते रहिए आगे बढ़ते रहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।